हाय फ्रेंड्स, मैं हुमानी। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए डॉल केक की एक बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही इजी है और बहुत कम समय में इसको आप बना सकते हो। सिर्फ ओनली 10 मिनट में आप इस डॉल केक को इजीली बना सकते हैं। खास बात है ये है कि इसको बनाने के लिए आपको कोई बेक की ज़रूरत नहीं है, अंडा की ज़रूरत नहीं है, कोई ओवन की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेशल बर्तन की ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली यही है कि बहुत कम खर्चा में इसको आप बना सकते हैं। तो चलिए देर की इस बात की रेसिपी को शुरू करते हैं। डॉल केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 8 ब्रेड के स्लाइस ले लिया है। 8 से 12 ब्रेड की स्लाइस इनाफ है एक डॉल केक बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रेड को सर्कल शेप में कट कर लेंगे। तो नीचे का जो पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो इसीलिए मैं बाउल से उसको कट करके उसकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो निकाल दिया। अभी क्या करेंगे, अभी एक साथ सारे ब्रेड को हम ले लेंगे और नाइफ की मदद से ऐसे करके हम धीरे 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 कटिंग करेंगे। ऊपर की पार्ट को हम थोड़ा सा स्मॉल रखेंगे और नीचे की जो पार्ट है, नीचे की साइड जो है वो उसको बिग रखेंगे। फ्रॉक कैसे होता है ना, वैसे हम इसको शेप देंगे। तो सारे ब्रेड की शेप हमने एक साथ दे दिया है और देखिए बिल्कुल एकदम फ्रॉक के जैसे शेप दे रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी होगा तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम इसमें क्रीम गार्निश करेंगे, है ना। तो यहाँ पर मेरा सारे ब्रेड को कटिंग करके ले लिया है। अब हम एक ट्रे लिया है और यहाँ पर शुगर सिरप डाल रही हूँ। केक जो है हमारा थोड़ी सी और ज़्यादा सॉफ्ट होने के लिए हमने शुगर सिरप का यूज़ यहाँ पर करेंगे। और इस तरह से हम क्या करेंगे, पाइपिंग बैग से हमने क्रीम लगा दिया है। बीच में से क्रीम लगा के ब्रेड के जो दूसरा स्लाइस है उसको ले लिया है। फिर से हमने स्पून की मदद से हम शुगर सिरप को डाल देंगे और फिर क्रीम डाल देंगे। क्रीम डालने के बाद उसको कवर करके अच्छे से सेट करके फिर जो हमारा ब्रेड का स्लाइस है उसको इसके स्टिक कर देंगे। तो इसी तरह सारे जो ब्रेड के स्लाइस हैं हम कवर करते जाएंगे, एक के ऊपर एक सेट करते जाएंगे। पहले हम ब्रेड ले लेंगे, फिर हम शुगर सिरप डाल देंगे और फिर हम क्रीम लगा देंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी है। जिसको भी केक बनाना नहीं आता है ना, जिसको भी लगता है डॉल केक बनाने के लिए बर्तन चाहिए, बहुत कुछ झंझट है, तो ये वीडियो देखने के बाद उसको 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये इजीली वो बना सकते हैं, है ना। तो बहुत ही आसानी से मैं इसको शो कर रही हूँ और इसको अभी अच्छे से सेट कर लेंगे। और एक्स्ट्रा जो क्रीम ट्रे में लग रहा है ना, उसको हम टिश्यू पेपर से बाद में साफ़ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर से अच्छे से साफ़ कर रही हूँ एक्स्ट्रा जो लगा है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम डॉल को सेट करेंगे। तो ये जो ब्रेड है ये बहुत ही सॉफ्ट है, तो जो डॉल है हमारा, डॉल को कैसे सेट करना है आप देखिए। सेंटर में से हम क्या करेंगे, डॉल को सेट कर लेंगे इस तरह, है ना। तो यहाँ पर मैंने डॉल को सेट कर लिया है। अब हमारा डॉल सेट हो चुका है, अब आगे की डिज़ाइन को हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पिंक कलर की क्रीम को सेट कर लिया है पाइपिंग बैग पर, और पिंक और ग्रीन में हमने यहाँ पर फ्रॉक को डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने डिज़ाइन शुरू कर दिया है। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं, क्रीम की कलर कोई भी हो सकता है, डिज़ाइन भी आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। मैं कैसे कर रही हूँ वो मैं आपको शो कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से एक ब्यूटीफुल लुक लाने के लिए मैंने पिंक और ग्रीन दोनों की कम्बिनेशन में फ़्रॉक को डिज़ाइन कर रही हूँ, क्योंकि मेरी डॉटर है ना पिंक कलर बहुत पसंद करती हैं। तो जब वो देखेगी कि पिंक और ग्रीन की कम्बिनेशन में मैंने डॉल को सजाया है तो वो एकदम से खुश हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी ग्रीन में फ्रॉक को डिज़ाइन करूँगी, तो ग्रीन कलर को मैंने सेट कर लिया है नोज़ल से। अब जो बाकी की जगह है ना, तो उसमें हम इस तरह से ग्रीन को सेट कर लेंगे। नीचे की पार्ट की जो डिज़ाइन है वो हमारा हो चुका है, अब हम ऊपर की साइड थोड़ा सा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी आसानी से सिर्फ 10 मिनट में आप ये डॉल केक को घर पर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, है ना, और कितना बढ़िया लुक आ गया देखिए, है ना।
तो इसी तरह आप ट्राई कीजिए। और मेरी रेसिपी, आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, है ना, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल में अगर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, एक चीज़, वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि मैं जैसे वीडियो बना रही हूँ वो आपको पसंद आ रहे कि नहीं आ रहे, है ना फ्रेंड्स। इसी से मुझे आगे काम करने की मोटिवेशन भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितने कम समय में मैंने इस डॉल केक को ब्रेड से बना दिया, है ना। तो इस तरह आप भी ट्राई कीजिए और ऐसे एक ब्यूटीफुल डॉल केक जो है आपके डॉटर्स के बर्थडे में, या तो आपकी फ्रेंड की डॉटर की बर्थडे में, या तो घर में डॉटर है तो उसके लिए, कभी भी आप इसको ट्राई कीजिए और केक को एंजॉय कीजिए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।